चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के तुमड़ी बोर्ड पुलिस चौकी क्षेत्र के तलाईरवार और टप्पा के बीच स्थित पुलिस फायरिंग रेंज में हादसा हुआ। हादसे में गांव के 10 साल के मासूम नक्श बुरी तरह से झुलस गया है। बताया जा रहा है कि तलाईरवार में पुलिस ओपन फायरिंग रेंज है। रविवार को 10 साल का नक्श अपने दोस्तों के साथ रेंज में पहुंच रहा था। उसके हाथ बारूद भरा विस्फोट लगा था। घर लौटते वक्त अचानक विस्फोटक फट गया। बच्चे को उपचार के लिए राजनांदगांव के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चे का बायां हाथ और पैर गंभीर रूप से घायल है। राजनांदगांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। बच्चे लोग के साथ में ऐसे घूमने के लिए निकल गए हो, मेरे को नहीं मालूम था सर। मैं भी यहीं रोजी मजूरी करने के लिए आता हूँ। बाद में मेरे को पता चला है गवर्नमेंट मतलब टप्पा लाए, टप्पा से ना रिफायर किए बोलते हैं। मेरे उसकी मम्मी मतलब कोई फ़ोन लगाए, मेरे दोस्त यार लोग आपके बच्चे को मतलब रिफायर कर रहे हैं, टप्पा है टप्पा से यहाँ करके, तो कैसा टाइप की रिफायर कर रहे हैं, एक्सीडेंट बोले थे, एक्सीडेंट तो है ही नहीं। आके देखा तो यहाँ फिर एडमिट किया ना अपना मेन हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, वहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं था सर। मैं गरीब आदमी हूँ। मैं क्या लगता है बच्चे से बात हुई आपकी? बच्चे ना मेरे घबरा गए ना सर। आप हिम्मत रखिए, है ना, एक पूरा ना पुलिस वाले को लापरवाही ना सर। ये ग्राम तलाईरवार की घटना है। पुलिस ट्रेनिंग कैंप जहाँ पर संचालित है पुलिस विभाग के द्वारा, वहाँ पर आज कैंप लगा हुआ था। कैंप ख़त्म होने के बाद शायद वो लोग चले गए, और बच्चों की चूँकि परीक्षा ख़त्म होने के बाद में ये लोग जंगल में घूमने के लिए निकले, तो शायद इनको कुछ सामान मिला होगा जिसको ये लोग उठाए, और उठाते ही वो फट गया। उसके बाद फिर उनको लेके, ये दो बच्चे हैं जो हॉस्पिटल लेके। कितने बच्चे हैं? ये एक ही बच्चे को नुकसान हुआ है, बाकी दूर में थे। बाकी बच्चे जो देखे हैं वो फिर उनको टप्पा हॉस्पिटल लेके आए। वहाँ से लाने के बाद वहाँ से रिफ़र किया गया, फिर यहाँ लेके आए। क्या पुलिस वाले थे आप लोगों को ऐसी कोई जानकारी की? जब नहीं, मेरी जानकारी के अनुसार जो बता रहे हैं लोग, तो वहाँ पर कोई भी जवान नहीं था। मेरा नाम पीताम्बर साहू है, लड़के का बड़े पिताजी हूँ मैं, है ना। क्या आज रविवार था, लड़का ऐसे घूमने चला गया था, सवेरे फायरिंग वाले आए थे वहाँ पर, गोलीबारी जैसा ट्रेनिंग करते वैसे किए, उसके बाद ऐसे छोड़ कर लोग चले जाते हैं हमेशा। ना आने के पहले कभी कभी तो बुनियादी भी नहीं कराते, गाँव का कोतवाल से कि ये फायरिंग होना है, बुनियादी भी नहीं करा पाते। लोग आते हैं, काम करते हैं, अपना फायरिंग करते हैं, कहीं पर बम पड़ा था, कुछ भी पड़ा था, बेफिक्र छोड़ कर चले जाते हैं। तलाईरवार गांव टोहरी बोर्ड थाना के अंतर्गत फायरिंग रेंज है, जहाँ पे गांव के 12 साल के बच्चे के हाथ में विस्फोटक नुमा चीज़ फटी है, जिसके इसके हाथ में चोट आ गई है। बच्चे का इलाज अभी यहाँ हॉस्पिटल में चल रहा है, कंडीशन स्टेबल है। और ये क्या पूरा मामला था, इसमें जांच की जाएगी, जांच उपरांत जो है सारी चीज़ें सामने आएंगी। सर, इनके द्वारा आज फायरिंग की जा रही थी? आज ये कोबरा बटालियन जो है यहाँ पे फायरिंग के लिए आई हुई थी बालाघाट से, और गोंदिया में इनकी यूनिट है। अभी तक जो जानकारी यही है, इसके बाद में जाँच